मैं संतोष मिश्रा जी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। ये एक बहुत ही रिनाउंड हमारे मुल्क के जर्नलिस्ट हैं और ये पहला इनका अवार्ड फंक्शन है, तो ये कहूंगा कि इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो एक बड़ी अच्छी नियत से इन्होंने इस अवार्ड का जो समारोह है उसकी शुरुआत की है। हर चीज की शुरुआत होती है। अमिताभ बच्चन ने पहला शॉट दिया होगा, लता जी ने पहला गाना गाया होगा, सचिन तेंदुलकर ने पहला रन बनाया होगा, तो शुरुआत तो होती है। ये एक स्टेपिंग स्टेप है इनका, तो ये इनको बहुत आगे ले जाएगा। इनसे मैं बहुत प्यार करता हूं, इनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, और यही वजह है कि मेरे पैर में दो जगह से फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन वो तकलीफ वो पीड़ा मैं घर पे छोड़ आया हूं। इनकी मोहब्बत मुझे यहां तक ले आई है और मैं हमेशा इनके अवार्ड फंक्शंस का मैं हिस्सा बनना चाहूंगा। और आप सबको मैं दुआ देता हूं, आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि इतनी बड़ी तादाद में आप आए यहां और आपने इस महफिल को रंगीन बनाया। और सिमरन आहूजा, इन्हें मैं जाने महफिल कहूंगा, ये जहां जाती हैं ये जान डाल देती हैं, एंड शी द कंपल्सिव शो स्टीलर, शो चुराना जो है इनकी आदत है, इनकी फितरत में शामिल हो गया है। तो ये मैं सिर्फ उम्मीद ही नहीं कर रहा हूं बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि ये जो सिविलियन पॉपुलर अवार्ड्स हैं कुछ गुजरते साल के बाद ये सिर्फ पॉपुलर अवार्ड नहीं रहेंगे, ये मोस्ट पॉपुलर अवार्ड रहेंगे। तो एक बार फिर मेरी तरफ से संतोष जी को मुबारकबाद, मेरी दुआएं, और जब भी आप कोई अच्छा काम करते हैं नेक नियति से करते हैं तो लोग आपके साथ हो जाते हैं। तो संतोष जी आपके लिए कहूंगा कि मैं अकेला ही चला था जाने बे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जाने बे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो ये कारवां जो है बनेगा, हर गुजरते साल के साथ मजबूत होगा, और बड़ी अच्छी शुरुआत हुई है। पहले अवार्ड फंक्शन की भी बड़ी अच्छी शुरुआत हुई है, इतने नामी गिरामी लोग जिनका नेशन बिल्डिंग में बहुत बड़ा सहयोग है, बहुत बड़ा हाथ है, वो आज उपस्थित हैं इस आपके फंक्शन में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो एक बार फिर मेरी तरफ से आप सबको मुबारकबाद, आप सबका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। What a great feeling. यार आप तो सुपर पॉपुलर हो गए संतोष जी, दिस इज सच अ ह्यूज ऑनर, एब्सोल्युटली ह्यूज ऑनर। सो आई एम गोइंग टू नाउ ऑफ कोर्स मूव अहेड एंड ऑफ कोर्स, मैंने कहा था ना, यू नो एनी वर्ड, एक शब्द भी आप अपने साथ ले जाएंगे ना, सो फील एनरिच्ड टुडे बिकॉज योर लाइफ विल चेंज फॉरएवर, एंड दिस इज द ब्यूटी व्हेन वी आर इन द प्रेजेंस ऑफ आवर लिविंग लेजेंड्स। और यही वो करिश्मा है, कुदरत का करिश्मा कहिए या डिवाइन ग्रेस कहिए, टू हैव द हम्बल प्रेजेंस ऑफ रजा मुराद साहब। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, अली खान साहब, येट अनदर लिविंग लेजेंड, प्लीज सर आपसे भी सुनना चाहेंगे हम दो शब्द, और कुछ सीखने का हमें मौका हमेशा मिलता है, हमेशा अलग अलग चीज़ें और अलग अलग बातें हम आपसे सुनते हैं और सीख कर जाते हैं। दिस इज़ अ ह्यूज ऑनर सर, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज आपका बेटा एक्टर से तो प्रोग्रेस होकर प्रोड्यूसर भी बन गया ऑलरेडी, वाओ, डायरेक्टर भी, क्या बात है। आज उनका बर्थडे भी है और फिर भी आप हमारे साथ हैं, तो जोरदार तालियां बजाएं, स्पेशल तालियां फॉर अली खान साहब। प्लीज कैन वी कम 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 कम, आप यहीं पे रुके आप हमारे साथ, थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। यार आप कैसे करते हो बचपन से, इट्स ऑल इन योर जीन, सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू।
So happy birthday to you. हम आपके लिए गाएंगे, okay? We're gonna sing for you. Ali Khan साहब, two words from you, please. Thank you, Simran जी. रजा भाई ने तो सारी बात कह दी, इसमें कोई शक नहीं कि देखिए हम लोग कमिटेड लोग हैं. रजा भाई के साथ आप देख रहे हैं, जब इनके पाँव में चोट आई, फ्रैक्चर आया, तो मैं संतोष जी को फ़ोन किया. मैंने कहा कि भाई उन्होंने वादा किया वो आएंगे और आपके प्रोग्राम को चार चांद लाएंगे, इसमें कोई शक नहीं. वो भी आए, मैं बहुत दूर शूटिंग कर रहा हूँ, मर्ड मनीषा बोल रहे हैं, मैंने भी एडजस्ट किया, मैं भी यहाँ पहुँचा, क्योंकि हम लोग कमिटेड लोग हैं. और रहा सवाल संतोष मिश्रा जी का, तो ये बहुत मीडिया के बहुत मानिंद आदमी हैं, एक इंसान हैं, और ये खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी चैलेंज है. शुरुआत हुई है, आगे बहुत अच्छा होगा, ऐसी दुआएं देने आया हूँ. शायर ने कहा कि सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे रजा भाई, नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे. तो ये सब लोग, जो भी जितने भी लोग हैं, बड़े इम्पोर्टेंट लोग हैं, और इन्होंने आप सब ने अपना अपना वक्त निकाला है. और चूंकि हमारा टाइम था 2 से 4, वो 4 बजने के मूड में है, चूंकि मुझे आगे शूटिंग पे भी जाना है, तो जो भी सेवाएं मुझसे लेनी है सिमरन जी ले लीजिए. क्योंकि मुझे और ये सारी चीज़ वापस भी करनी है ज़रा, जो मैं पहन के आया हूँ. शूटिंग के कपड़े वापस करने पड़ते हैं. थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट संतोष जी. तो इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए. आप बहुत नर्वस थे, आप शुरुआत में नर्वस होती है, कोई बात नहीं. थैंक यू सो मच. थैंक यू, आप सबकी वजह से ही फीलिंग सो कंफर्टेबल.